की शुरुआत है। हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना, हमी ने तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाया है। हमें दबा के रखने की कोशिश मत करना, अमरनाथ कान खोल कर सुन लो। हमी ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है, ये सब एक चाल है अमरनाथ, ये सारी चाल है तुम्हारी। गांव वालों को हटाने का काम रोको, ये जंग से पहले का शोला है। तुम हमें दबा कर नहीं रख सकते। वाह क्या बात है, आज तुमने मेरी इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे बोलने के पीछे किसकी ताकत है मुझे यही जानना था। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसकी ताकत में दम है। प्रवचन चालू रखो। दस आदमी को साथ लेकर पूरे गांव में फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं? ऑफिस के बाहर सिग्नल के कोने कोने पर अपने दल की जो पोस्ट है जहां कहीं भी उसे वहां रखो। और सोमू, उस दीवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक? लगा दूंगा। कब लगाएगा? मरने के बाद? जो भी बातें हो रही हैं उन बातों को सुनने के बाद ही मैं सीधा यहां आया। हर जगह के बिखरे हुए लोग एक साथ खड़े हैं, उन लोगों को यहां आने की क्या जरूरत थी? उस इंदिरा स्टेट के मामले में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। बहुत बड़ा इंजीनियर समझता है वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं। एक बात तो तय है, तमिलियन लोगों का यहाँ आने का एक मकसद है, वो इलेक्शन में जरूर गड़बड़ी करेंगे, ये मैं जानता हूँ। यहाँ के जो तमिल लोग हैं एक जमाने में हमारे घर पर खाना खाने आते थे, वो हमारा एहसान मानेंगे, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है, अगर इनके साथ कुछ तेलंगाना और कुछ कन्नड़ लोग मिल गए होंगे तो इसकी चिंता मत कीजिए। वो हमारे शादी ब्याह में भी आते हैं, उनके साथ डील मैं कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी नज़र से दो चार लोग बच जाएंगे तो आप लोग शामिल हो जाइएगा, क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौका। कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं। सर चलिए। पजाबी मधुवाका ऋताजते मधुक्षरंति सिंधवः माध्वीर्णः आदित्य भगवाने प्रार्थिके प्राप्तिये करणी तत्पदे नमस्तुते सर्वदा सर्वदा। सर जिस ऑफिसर ने सुसाइड किया था उसकी बीवी और बच्ची। तुम जरा स्पष्ट चेक करना कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके।